विधौ भवता तदानीम्। पापा चलोस्मि गुरुभार धरो धराया। उद्धारस्य त्वमधुना यदि कौशलन्ते। वर्षर्तौ करधृतम् गोवर्धनम् अथ कलापुरुषम् कृष्णम् स्मरन्तः अयि संस्कृत समीक्षकाः वार्तावली वीक्षकाः। कौशलस्य अपि तत्त्वम् सकौशलम् परीक्षकाः अयि प्रियता प्रतिपादकाः प्रियाः दर्शकाः। अद्य वार्तावल्याः विशिष्टात् चतुश्शततमाङ्कात् पश्चात् पुनरपि वार्तावली वैविध्यम् प्रस्तोत्रिकौशलम् अनुसृत्य भवत् पुरःसरम् प्रस्तोतुम्। एषः पुनरागतः प्रणिपातपूर्वकम् अहम् नारायणदत्तः। अहमपि एषा सत्यप्रिया प्रणतिगतिम् समर्पयामि सर्वेभ्यः। सत्यप्रिये, सत्यम् एतत् किल यत् प्रस्तोत्रिकौशलप्रदर्शनपुरस्सरम् वार्तावली वैविध्यम् यथाशक्यम् दर्शयितुम् वयम् भवामः सिद्धाः इति। आम् नारायणदत्त, अथ यदि अवसरः स्यात् कौशलदिवसस्मारकः एव, तदा तु कौशलशब्दम् आश्रित्य एव अस्माभिः अद्य प्रवर्धनीयम्। उचितम् उच्यते भवत्या। दर्शकाः, तर्हि अद्य कुशलशब्दार्थविशेषप्रतिपादकात् सुभाषितादेव आरभामहे, वयम् अद्यतनम् सुभाषितक्रममपि। न द्वेष्ट्या कुशलम् कर्म कुशलेनानुषज्जते, त्यागे सत्त्वसमाविष्टो मेधावी छिन्न संशयः। जो व्यक्ति अकुशल कर्म से द्वेष नहीं करता और कुशल कर्म में आसक्त नहीं होता, वह सत्व गुण से संपन्न पुरुष, संशय रहित, मेधावी और त्यागी कहलाता है। A man of relinquishment who is well possessed of the sattva is wise and has his doubts destroyed. He hates not the unskilled action and clings not to the skilled action. सम्यक्। अत्र सुभाषिते कुशलशब्दस्य अथ अकुशलशब्दस्य च अर्थः क्रमशः सम्यक् असम्यक् इत्येवं निरूपितः। आम्, तर्हि साम्प्रतं सक्रमं हि सम्यक् असम्यक् च वार्ताः साप्ताहिकीः अपि प्रस्तोतुम् आगतः अस्ति अवसरः। सत्यम्। दर्शकाः परिशीलयन्तु तर्हि संक्षिप्तीकृताः साप्ताहिकीः वार्ताः एताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी फ्रांस देशस्य सफलां यात्रां सम्पाद्य संयुक्त अरब अमीरातं सम्प्राप्तः। इतः पूर्वं प्रधानमन्त्री मोदी फ्रांस देशस्य राष्ट्रपतिवर्यं इमैनुएल मैक्रों इत्येतं सम्मिलितवान्। नेतृद्वयेन भारत फ्रांस मित्रता प्रशंसिता। भारत फ्रांस सीईओ फोरम इत्येतस्मिन् मञ्चोपवेशने अपि द्वौ नेतारौ सहभागितां कृतवन्तौ। फ्रांस देशे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सर्वोच्च फ्रांस देशीय सम्मानेन ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर इत्येतेन अलंकृतः जातः, अथ पेरिस नगरे बैस्तिये डे इत्येतदाधृते सैन्य संचलने विशिष्टातिथित्वेन अपि सम्मिलितः अभवत्। भारतीय समुदायं संबोधयता तत्र पेरिस नगरे प्रधानमन्त्रिणा उक्तं यत् फ्रांस देशस्य समुद्घोषः मार्चो मार्चो इति, भारतस्य चरैवेति चरैवेति इति मन्त्रविशेषेण साम्यं धत्ते इति। भारतीयान्तरिक्षानुसन्धान संघटनस्य वैज्ञानिकाः श्रीहरिकोटायाः सतीश धवनान्तरिक्ष केन्द्रतः एलवीएम 3 इत्येतया क्षेपण्या तृतीयं चन्द्रयानं प्रक्षेपितवन्तः। प्रधानमन्त्रिणा क्षणमिदं ऐतिहासिकं प्रतिपादितम्। अतिवृष्ट्या यमुना नदी संकटचिह्नम् अतिक्रान्ता, येन जनजीवनं दुष्प्रभावितम्। दिल्ल्याः जलौघ प्रभावितेषु क्षेत्रेषु साहाय्योद्धार कार्याणि प्रवर्तमानानि। सहायताभियाने भारतीय सेना अपि सजवं संलग्ना अस्ति। आर अश्विन इत्यस्य अद्भुत प्रदर्शन बलात् भारतेन वेस्टइंडीज दलं प्रथम निकष स्पर्धायां एकचत्वारिंशदधिकैकशत धावनांकैः पराभूतम्। एकसप्तत्यधिकशत धावनांकार्जकः यशस्वी जायसवालः क्रीडानायकः संवृत्तः। भारतस्य लक्ष्यसेन द्वारा कैनेडा ओपन बैडमिंटन इत्येतस्याः प्रतियोगितायाः पुरुषैकलवर्गीयः चषकः विजितः। निर्णायके द्वन्द्वे चीन देशस्य ली शिफेंग इत्येतं सह पराजितवान्। वेद वेदांग तत्वज्ञो जप होम परायणः त्रय्यां च दंड नीत्यां च कुशलः स्यात् पुरोहितः। पुरोहितः कः प्रसंगः ननु पुरोहितस्य अत्र नारायणदत्त? सत्यप्रिये, पुरोहितः खलु पूजकः एव इति न, अपि तु कस्मिन् अपि कर्म विशेषे पुरः धीयते यः
सः उच्यते पुरोहितः इति। अस्तु, कर्म विशेषे वा कर्मणि विशेषताम् आनयति यः सः वा? आम्, उभयथा एव स्वीकर्तुं शक्यम्। अथ कौशल विशेषांके अद्य कर्मसु कौशल्यम् अधिकाधिकम् आनेतुं प्रशिक्षणस्य अपि आवश्यकताम् संसाधयामः। आम्, अत एव अद्य वार्तावल्यां कौशल प्रशिक्षण प्रदातारं विश्वविद्यालयम् आश्रित्य विशेष वृत्तं हि समुपस्थापयामः। विश्वस्य सर्वतः अधिकं युवदेशः यत्र प्रतिशतं पञ्च षष्टिमिता जनसंख्या यूनाम् अस्ति। एतस्याः युवशक्तेः प्रयोगाय तेषां कौशल संवर्धनाय च कटिबद्धम् अस्ति भारत प्रशासनम्। एतस्मिन् हि क्रमे हरियाणा राज्ये प्रशासनेन संस्थापितः देशस्य प्रप्रथमः शासकीयः श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालयः इति। कौशल विश्वविद्यालय यहाँ के एमएसएमई सेक्टर को भी मजबूत करेगा। यहाँ के पढ़कर के निकले छात्र जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट ऐसे उत्पादों का निर्माण करेंगे, मेक इन इंडिया की चमक और बढ़ाएंगे। सप्तभ्यः वर्षेभ्यः एषः विश्वविद्यालयः युवशक्तये जिज्ञासुभ्यः च कौशलपरं प्रशिक्षणं प्रयच्छन् अस्ति। विविध पाठ्यक्रमेषु अधीयानः अत्रत्याः शिक्षार्थिनः श्री विश्वकर्म प्रसादेन आचार्याणां प्रशिक्षणेन आनन्दिताः सन्तः स्वजीवने विविधानि कौशलानि अभ्यसन्तः वृत्त्यवसरान् प्राप्नुवन्तः सन्ति। यह भारत की पहली स्किल यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे स्किल्स सिखाई जाती हैं और मुझे यहाँ पर पढ़कर बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पर मैंने बहुत सारी स्किल्स प्राप्त की हैं। संस्कृत और जो एआई है वो आपस में कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं, तो मैं इसके बारे में रुचि रखता हूँ और इंडियन नॉलेज सिस्टम को आगे बढ़ाने में मैं इसके बारे में और अधिक जानकारी लूंगा, इसको पढ़ूंगा और इन फ्यूचर इंडियन नॉलेज सिस्टम को अग्रसर करने के लिए इसे इम्प्लीमेंट करूंगा। एतेन विश्वविद्यालयेन सह त्रिशताधिकाः प्रमुखाः समवायाः छात्राणां प्रयोगात्मक शिक्षणार्थं वृत्त्यर्थं च अनुबद्धाः सन्ति। विश्वविद्यालयस्य अन्तर्गतं विशेषः कश्चन कौशल विद्यालयः अपि प्रवर्तते, यत्र नवम कक्ष्याम् आरभ्य द्वादशी कक्ष्यां यावत् कौशल प्रधानाः विषयाः एव पाठ्यन्ते। हमें यहाँ पे पांच कोर्स ऑफर किए गए थे, पांच स्किल्स का सब्जेक्ट्स, जिनमें से हमारी हम पे चॉइस दी थी कि हम कोई भी दो अपने जो हमें अच्छे लगे वो हम कोई भी दो स्किल सब्जेक्ट चुन सकते हैं। मेरे को दो अच्छे लगे थे, मैंने एक आईटी और एक एमएसएफसी लिया था। मुझे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत पसंद आया क्योंकि उसमें हम कोडिंग करना रोबोट्स के बारे में भी जानते हैं और हमें कोडिंग फिजिकली कराई जाती है जो कि हमें बहुत अच्छी लगती है। छात्र ही ईवी इति विद्युत संचालितम वाहनम अपि अत्र निर्मितम। विश्वविद्यालयीये परिसरे एतत् यानम चालक रहित संचालनाय सम्बद्धाः च छात्राः अनुसंधाने रताः सन्ति। ध्यानास्पदम् एतत् यत् महाभारतीयेन अर्जुन रथेन एतस्य मुख्य भवनस्य साम्यम् अपि विश्वविद्यालयस्य वैशिष्ट्येषु एकतमम्। प्रशिक्षार्थिणां सर्वसुविधाभ्यः सर्वथा यतमानस्य एतस्य विश्वविद्यालयस्य सङ्कल्पः नूतनशिक्षानीतेः अनुगुणं प्रयोगपुरस्सरम् अर्थोपार्जनशक्तियुतानां वृत्तिप्रदातृवृन्दानां च नवोद्यमीयूनां निर्माणमस्ति। ईवी का एक प्रोग्राम है जिसमें कि लाइव प्रोजेक्ट्स पर काम करके स्टूडेंट्स ने इलेक्ट्रिक व्हीकल का भी निर्माण किया है। न केवल स्टूडेंट्स इन स्किल्स को सीखकर जॉब्स के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं, बल्कि विश्वविद्यालय का फोकस उनके अपने रोजगार को शुरू करने पर भी है।
विश्वविद्यालयः एषः स्वीयेन ध्येयवाक्यानुसारेण कर्मसु कुशलताम् अनवरतम् शिक्षयन् देशे विश्वे च कनिष्ठिकाधिष्ठितः भवतात् इत्यस्ति नः कामना। वार्तावली वित्तम् डीडी न्यूज। शोभनम् कौशलपरम् वृत्तम् वीक्ष्य श्लोकम् स्मरामि। प्रवीणे निपुणाभिज्ञ विज्ञ निष्णात शिक्षिताः वैज्ञानिकः कृतमुखः कृति कुशल इत्यपि। एवम् तर्हि दर्शकाः प्रवीणताम् निपुणताम् वैज्ञानिकताम् अथ च कुशलताम् आश्रित्य एव कार्यक्रमे अधुना वर्धामहे। अथ यतः अधुना क्रमः आगतः अस्ति त्रिज्या प्रभागान्तर्गतस्य साक्षात्कार प्रभागस्य, अत्र एव कौशलक्षेत्र सम्बद्धम् विशेष साक्षात्कारम् प्रस्तुमः। आम्, एतदर्थम् अद्य मिलामः व्यावसायिक क्षेत्रस्य अग्रगण्यम् कौशल प्रशिक्षण परस्य विशेष विश्वविद्यालयस्य कुलपतिम् डॉक्टर राज नेहरू वर्यम्। एतेन महोदयेन सह संवादम् साधितवान् अस्मदीयः सहयोगी गवीश द्विवेदी। वार्तावल्याः त्रिज्या संवादे अद्य अस्माकं संवादातिथिः अस्ति श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालयस्य कुलपतिः श्री राज नेहरू वर्यः। महोदय, वार्तावल्याः एतस्मिन् संवादक्रमे भवतां हार्दिकं स्वागतं। नमो नमः। नमो नमः। नमस्कार, धन्यवाद। देशस्य प्रथमः कौशल विश्वविद्यालयः यः हरियाणा प्रशासनेन संस्थापितः अस्ति, श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालयः। प्रायः एतस्य विश्वविद्यालयस्य 7 वर्षाणि अपि पूर्णानि जातानि। भवान् एतस्य विश्वविद्यालयस्य संस्थापक कुलपतिः अस्ति। वस्तुतः कीदृशी आसीत् एतस्य विश्वविद्यालयस्य संकल्पना, अथ च अधुना कथम् एषः विश्वविद्यालयः कार्यं कुरुते? पहले तो मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करूंगा और ये मेरा सौभाग्य है कि आज मुझे एक देवभाषा में इस इंटरव्यू में सम्मिलित होने का अवसर मिला है। मैं दुर्भाग्यपूर्ण वश से मैं संस्कृत सीख नहीं पाया, परंतु आप जब बात कर रहे थे तो आपकी आपका हर एक शब्द मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं समझने की कोशिश भी नहीं कर रहा हूँ, मुझे अपने आप समझ में आ रहा है। सबसे पहले तो इस अवसर के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, दूरदर्शन का बहुत बहुत धन्यवाद जो संस्कृत में इस प्रकार की प्रक्रिया और गतिविधियों को चला रहा है। स्वागत है। जहाँ तक विश्वविद्यालय के विजन की बात है, इस विश्वविद्यालय का विजन एक खास स्वरूप को लाने के लिए बनाया गया था। हम जब जानते हैं देश दुनिया में शिक्षा और बदलते युग की मांग दोनों के बीच में समन्वय बहुत जरूरी हो गया है और शिक्षा मार्केट के अनुरूप जरूरत के अनुरूप अपने युवाओं को तैयार करे, आज के आधुनिक युग के लिए उनको तैयार करे, ये शिक्षा के ऊपर बहुत बड़ी जरूरत है। इस जरूरत में कौशल विश्वविद्यालय के ऊपर एक ऐसी जिम्मेवारी आई कि उन्हें नवाचारी मॉडल के रूप में जहां पे नवाचार को प्राथमिकता देते हुए शिक्षा और कौशल के समन्वय से हम आजीविका को अचीव कर सकें, और उस प्रोसेस में जो आज एक युवा वर्ग है उसे हमारी जो शिक्षा है इस कौशल विश्वविद्यालय की, ये न केवल उसको जॉब रेडी बनाए, जॉब सीकर बनाए, बल्कि जॉब प्रोवाइडर भी बनाए। हम पिछले 7 वर्षों में बहुत सारी नई चीजें इस विश्वविद्यालय के माध्यम से ला चुके हैं। जैसे सबसे बड़ी चीज आज वर्क इंटेग्रेटेड एजुकेशन को लाना, यानी उद्योग के साथ मिलकर शिक्षा का और कौशल का निर्माण करना और उसमें इस प्रकार के क्रेडिट मॉडल को तैयार करना जिसमें बच्चे को न केवल क्लास और वर्कशॉप में ही क्रेडिट्स अर्न करने हैं अपने डिग्री डिप्लोमा के लिए, बल्कि उसे उद्योग में भी मार्केट में भी काम करना है ताकि वहां से भी उस काम के द्वारा वो क्रेडिट अर्न कर सके और ये एक ड्यूअल मॉडल ऑफ एजुकेशन भारत के अंदर स्थापित हो। हम लोग बहुत हद तक इस मॉडल को स्थापित करने में सफल हुए हैं और आज की डेट में 100 से भी ज्यादा उद्योगों के साथ मिलकर लगभग
40 से भी ज्यादा प्रोग्राम और लगभग 2000 से भी ज्यादा शिक्षार्थी इस विश्वविद्यालय के अंदर डिप्लोमा डिग्री के प्रोग्राम्स पा रहे हैं। योगः कर्मसु कौशलम् इति अस्ति भगवद्गीतायां, पुनश्च भवतः विश्वविद्यालयस्य ध्येयवाक्यमपि एतत् अस्ति। कुलपतिरूपेण तु भवान् अत्र कौशलपरकशिक्षां यच्छन्नेव अस्ति, व्यक्तिगतरूपेण कुशलतायाः कां परिभाषां भवान् मनुते? तस्मात् योगाय युजयस्व योगः कर्मसु कौशलम्। मैंने अपने पिछले 10 वर्षों में, जिसमें कॉर्पोरेट जगत में भी जहां बहुत भाग दौड़ रहती है, जब मैंने इस योग के प्रति अपनी जागरूकता की, भगवत गीता का मेरे पिताजी मुझे अध्ययन कराते थे, तो मुझे ऐसा लगा कि वो जो रिफ्लेक्टिव प्रोसेस है वो स्लोली आपके अंदर डेवलप होना शुरू हो जाता है और आप रिएक्टिव बिहेवियर से एक प्रोएक्टिव बिहेवियर की ओर चलते हैं, जिससे आपके कार्य में कुशलता आती है। तो वही योग कर्मसु कौशलम है जो भगवत गीता में भी कहा गया है। भारतीय ज्ञान परंपरायां आबहुः कालात् पूर्वं कौशल प्रशिक्षण पराः ग्रंथाः अपि स्युः, ततः कानिचन उदाहरणानि भवान् वक्तुं शक्नुयात्? भारत के ग्रंथों को अगर देखा जाए तो इतने सारे ग्रंथ भरे हैं जिनका अगर हम अवलोकन करना शुरू करें तो एक जीवन व्यक्ति का निकल सकता है। जैसे हमारे यहाँ कहा जाता है विमान शास्त्र भारत के अंदर प्राचीन युग में रहा करता था। शल्य चिकित्सक के ऊपर आचार्य सुश्रुत ने अपना सुश्रुत संहिता बनाया। चरक संहिता भारत के अंदर रहा। मैं तो हैरान हूं कि भारत के अंदर एंशियंट एजुकेशन सिस्टम में हमारे यहाँ पे पूरा एक इसके ऊपर डॉक्ट्राइन लिखा गया और उस डॉक्ट्राइन का नाम है वीर मित्रोदया। और इस वीर मित्रोदया में एक स्टूडेंट को एज एन अप्रेंटिस कैसे रहना चाहिए, मास्टर की ड्यूटी क्या है, गुरु को किस प्रकार का उसमें पारितोषक मिलेगा, स्टूडेंट की जिम्मेवारी क्या है, पेरेंट्स की जिम्मेवारी क्या है, इसके ऊपर बड़ा डिस्क्रिप्टिव तरीके से पूरा वर्णन किया गया। कर्तव्य बोध, कर्तव्य बोध ग्रंथों को अगर हम ध्यान से पढ़ें, ऐसे खजाने ऐसे, मैंने वीर मित्रोदया का रेफरेंस एक पुस्तक में पढ़ा और मैं बड़ा आनंदित हुआ उसको पढ़ने में कि आज जो हम अप्रेंटिसशिप पॉलिसी देख रहे हैं उससे ज्यादा डिटेल में आज से कई सौ वर्ष पहले हमारे ग्रंथों में इन चीजों के बारे में वर्णन किया गया है। इसीलिए हमारे भारत की शिक्षा देश दुनिया की सबसे बड़ी शिक्षा थी, जहां दुनिया भर से लोग कहां कहां से आते थे, नालंदा, तक्षशिला, सोमपुरा, उदंतपुरी, वल्लभी, शारदा, कठनूरशाला पढ़ने के लिए यहां आते थे, दुर्गम से दुर्गम मार्गों से, क्योंकि उन्हें ऐसा कुछ लगता था कि भारत के अंदर की जो शिक्षा है, शैक्षिक व्यवस्था है, ये कुछ बड़ी बड़ी निराली है और जो दुनिया में कहीं उनको वो देखने को नहीं मिलती है। तो मुझे लगता है इन ग्रंथों का पुनः अध्ययन होना बहुत जरूरी है। तत्रैव प्रष्टुम् इच्छामि, संस्कृताधारिताः अपि तर्हि एतादृशाः कौशल प्रशिक्षणपराः पाठ्यक्रमाः अपि अत्र कदाचित् कल्पिताः स्युः भवता एतस्मिन् विश्वविद्यालये? मेरा मानना ये है कि संस्कृत के को आधार बनाकर बहुत सारे ऐसे प्रोफेशंस में संस्कृत के मॉड्यूल्स बनाए जा सकते हैं जिनका इम्पैक्ट लाइवलीहुड के ऊपर पड़ सकता है। पहली चीज तो ये है कि जो संस्कृत के विद्वान हैं, अगर भारत सरकार या राज्य सरकारें ऐसे कोई प्रोजेक्ट्स निकालें जिसमें उन्हें जो हमारे मैनुस्क्रिप्ट्स हैं उनके ट्रांसलेशन के कुछ प्रोजेक्ट्स हमारे लोगों को मिले और ऐसे लोग उन प्रोजेक्ट्स को बिड करें जो संस्कृत विद हैं, तो उन्हें आजीविका के साथ तो कनेक्ट किया जा सकता है, लाभ ये भी मिल सकता है कि ऐसे डॉक्यूमेंट्स के अंदर किस प्रकार की बातें छिपी हुई हैं। जहां तक शॉर्ट टर्म प्रोग्राम्स हैं, मुझे लगता है योगा के साथ संस्कृत को जोड़ा जा सकता है और दोनों के समन्वय से अच्छे प्रोग्राम्स किए जा सकते हैं। संस्कृत के माध्यम से बहुत सारे और भी ऐसे कोर्सेज हैं जहाँ पे उसकी बहुत बड़ी डिमांड हो सकती है। जैसे आज जर्नलिज्म को हम देखते हैं, जर्नलिज्म के अंदर संस्कृत का बहुत बड़ा योगदान हो सकता है। न केवल भारत में, बहुत सारे पश्चिमी देशों में आज संस्कृत के अपने विभाग हैं और अगर भारत के अंदर भी हमारे संस्कृत के जो जर्नलिज्म के विभाग हैं और वो ऐसे देशों के साथ और लोकल मीडिया के साथ भी उसको कनेक्ट करें, जैसे आज आप संस्कृत में इतना अच्छा कार्यक्रम कर रहे हैं और अगर मैं भी संस्कृत पढ़ना सीखूं और कल ये पूरा कार्यक्रम संस्कृत में चले तो बहुत अच्छा इसका परिणाम निकल सकता है। साथ ही में हमारे यहाँ जितने भी कर्म कांड हैं, आज
कर्मकांड के अंदर भी संस्कृत के बहुत अच्छे कोर्सेज बनाए जा सकते हैं, जिसमें हम हमारे जो यूथ हैं उनको उन कर्मकांड के प्रोग्राम्स के अंदर उनको ट्रेन किया जा सकता है, और इसको हमारे देश के अंदर कल्चर को भी रीएस्टैब्लिश करने में एक सहायता मिलेगी और लैंग्वेज को भी सहायता मिल सकती है। टेक्नोलॉजी में जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, कोडिंग है, या साइबर सिक्योरिटी है, जिसमें बैकएंड में बैठ के एक व्यक्ति को केवल दिमाग लगाना है, इन क्षेत्रों में भी कोर्सेज किए जा सकते हैं। मैं जब भी दुनिया में घूमता था, चाहे वो स्विट्जरलैंड है, जर्मनी है, स्वीडन है, पोलैंड है, फ्रांस है, जर्मनी है, इन देशों में वहाँ की लोकल लैंग्वेज में ही पढ़ाई और पूरा पत्राचार होता है, पूरे एजुकेशन होती है, और वो सबसे सफल देश हैं, डेवलप्ड नेशंस हैं। तो मुझे लगता है कि हमें भी अपने इस भाषा को, जो हमारी देव भाषा है, इस भाषा को स्थापित करने में हमें भी आगे आना चाहिए, और इस भाषा के द्वारा हम बहुत सारी चीजें, और संस्कृत तो वैसे भी साइंटिफिक लैंग्वेज है, अगर कोई संस्कृत सीखेगा तो उसके जो मेंटल न्यूरोनल क्लस्टर्स हैं वो इस प्रकार के डेवलप हो जाते हैं, जो साइंस कहता है, जो रिसर्च कहता है कि वो बहुत सारी चीजों में अडेप्टेबल हो जाता है, बहुत सारी चीजों में फ्लेक्सीबल हो जाता है, उसकी जो थिंकिंग कैपेबिलिटी है वो बढ़ जाती है। तो मुझे लगता है कि संस्कृत को संस्कृत और देश भर में इसकी एक्सेप्टेंस भी है, हर राज्य में इसकी एक्सेप्टेंस है, इसे हमें इसको हमें पुनः जीवित देश के अंदर करना चाहिए, और उसके लिए और कदम उठाने की आवश्यकता है। महोदय, भवान एतस्मै संवादाय समयं कल्पितवान्, तदर्थं भवते हार्दिक धन्यवादान् ज्ञापयामि। नमो नमः। नमो नमः, धन्यवाद मुझे इस अवसर के लिए देने के लिए। शोभनः संवादः। नूनं कर्मसु कौशलं तु सर्वत्र सर्वैः च अपेक्षते एव। सत्यं, परं अद्य गीतानुवाद कौशलम् आश्रित्य घोषणा अपि करणीया यत् कौशलम् आश्रित्य बहुधा व्यावसायिकी दृष्टिः भवति समेषाम्। अथ चलचित्रगत गीतानां निर्मातृ समवायाः अपि न सन्ति इतः अस्पृष्टाः। भवतु नाम दर्शकाः, सारतः एतदेव विज्ञापनीयमस्ति यत् प्राविधिक समस्यावशात् गीतानुवाद स्पर्धायाः क्रमः साम्प्रतम् अवरोध्यते इति। तावद् अचिरात् किमपि नवीनं शुद्ध संस्कृत गीत प्रस्तुत्यादिकम् आनेतुं प्रयतामहे। अस्तु, अधुना तु प्रस्तुमः गते एव सप्ताहे 400 प्रस्तुतेः पूर्वं परं च आगतान् सन्देशविशेषान्। भाषायाः संस्कृतेश्च अतीव गाढः सम्बन्धः वर्तते। वार्तावली कार्यक्रमेण भाषायाः रक्षा भवति, भावनायाः रक्षा भवति, तेन संस्कृतेः अपि रक्षा भवति। अतः वार्तावल्याः अयं कार्यक्रमः अवश्यं अस्माभिः दर्शनीयः, तेन अस्माकं संस्कृतेः अपि रक्षा भवति, भारतस्य गौरवं च वर्धते। नमो वै, वार्तावली कार्यक्रम दो कारणों से अद्भुत है। एक तो इसमें हमेशा रचनात्मक नवीनता और विविधता देखने को मिलती है। दूसरा कारण यह है कि यह संस्कृत में है और इस तरह से यह अद्वितीय कार्यक्रम है। जिस प्रकार संस्कृत अपने स्वरूप को बनाए हुए है, उसी तरह से ये वार्तावली कार्यक्रम अपने एक मानकीकृत और परिष्कृत स्वरूप को बनाए रखें और ये कार्यक्रम सफलता की नई ऊंचाइयों को छुए। वार्तावल्याः निरन्तरानन्त प्रवाहेण भुवनवतीनायाः गीर्वाणभाषायाः संस्कृतस्य प्रचारेण असंख्यानां भारतीयानां हृदयेषु भारतीय ज्ञानपरम्परायाः पुनरुज्जीवनं भवतु इति मम हार्दिक शुभेच्छाः। जयतु भारतं, जयतु संस्कृतं, जयतु मनुकुलं, जयतु दूरदर्शनम्। वार्तावल्ली कार्यक्रमस्य 8 पूर्णानि जातानि, चतुश्शतांकपूर्तिः अपि अधुना अस्ति इति सर्वेषां हर्षविषयः। अत्र केनडादेशे, संयुक्तराज्य अमेरिकायां च मम परिचिताः बहवः जनाः एतं कार्यक्रमं पश्यन्ति। डीडी न्यूज द्वारा एतादृशाः संस्कृतकार्यक्रमाः वर्धमानाः भवन्तु इति अस्ति अस्मदीया कामना। वार्तावल्लीगणाय पुनरेकवारं वर्तापनानि। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्।
मुझे वार्तावली बहुत पसंद है। उससे मुझे नए नए श्लोक सीखने को मिलते हैं और संस्कृत भी। मैंने कई बार सोचा है कि वार्तावली में हम जैसे बच्चों के लिए कार्टून फिल्में तो आनी चाहिए संस्कृत में। कार्टून फिल्म कितनी भाषाओं में होती है, हिंदी, इंग्लिश, तेलुगु, तमिल, तो संस्कृत में भी तो आनी चाहिए ना। मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि मेरी फिल्म ताल से, जो ताल से ताल मिला का गीत है, उसका भी संस्कृत में अनुवाद किया गया है। वार्तावली में तकरीबन हमारे हिंदी सिनेमा के बहुत से गाने दिखाए जा रहे हैं जो लोग बहुत चाव से देखते हैं और संस्कृत की महत्ता को भी समझते हैं और उसका आनंद भी लेते हैं। कृतज्ञाः वयम्, धन्यवादाः सर्वेभ्यः। अधुना कार्यक्रमस्य आगता अस्ति विरामवेला। तावत् ऐषमः श्रावण मासिके बहुधा अतिवृष्टिमये काले सन्तिष्ठन्ताम् कुशलिनः सर्वे। इति कुशलमानसाः वयम् पुनः समेषाम् शिवम् शुभम् च अभिलष्य पुनर्मेलितुम् आयास्यामः। अधुना नमस्यामः। जल प्रवाह पावितस्थले गले वलम्ब्य लम्बिताम्बुजङ्ग तुङ्ग मालिका।